गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आप नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी अब तो। मतलब मेरे को लगता है आज के दिन जितना हो सके ना यार शांत रहो, एकदम चिल रहो। मतलब एक दो सेक्शनल दे दो, फुल लेंथ देखे कोई मतलब नहीं है। अब चिल होके बैठो भाई, हो गई पढ़ाई जितनी करनी थी, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS तीन तो एग्जाम दे चुके हो, अब तो शांत रहो। अभी कैसा है लोगों के माइंड में ये है कि IBPS RRB PO का रिजल्ट कब तक आउट होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑलरेडी जो ये रिजल्ट है वो धीरे धीरे डिले की तरफ जाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कई रिजल्ट आज आउट ना कर दे, और यदि आज आउट हो गया ना, देखो भाई हम लोग मेहनत करते हैं और आज मुझे फीलिंग आ रही है रिजल्ट शायद आज आ सकता है। क्योंकि पिछले दो साल का अगर एनालिसिस करें रिजल्ट का, तो एक बार 16 दिन लिया, एक बार 18 दिन दिया, आज तो 19वां दिन है और कल IBPS PO का पेपर है, कल और परसों, और दो दिन है आज और कल का कि आउट हो सकता है। डर इस चीज़ का है कि गलती से अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया और कल ही के दिन एग्जाम रहा तो ये बहुत गंदा इम्पैक्ट करता है। कहने को लोग बड़े कूल बनते, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो और स्ट्रांगली देंगे। फर्क पड़ता है यार जब मेहनत करके एग्जाम आप देके आते हो ना मीन्स, और जब रिजल्ट दिखता है थैंक यू फॉर अपियरिंग, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। बाकी आई फील कि ये रिजल्ट आज आउट होना चाहिए, मतलब फीलिंग आ रही है। बाकी IBPS है, अब तो ये भी सरप्राइज देता है भाई कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते तब ये रिजल्ट डालता है। 10-10 दिन पहले तो ये रिजल्ट डाल देता है क्लरिकल के, 6 दिन पहले एडमिट कार्ड देने लग गया है। तो मतलब अब स्टेट बैंक और IBPS में कोई डिफरेंस ना नहीं, बट मुझे फीलिंग है कि आज शायद रिजल्ट आउट हो जाएगा। बाकी आपके क्या अटेम्प्ट थे ज़रूर शेयर करना, और कल मिलते हैं एनालिसिस के वीडियो के साथ। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। राम राम।